कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आज आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो हमने राशन लिया है। तो अभी मैंने आपको वीडियो मैंने अब दिखाई है। दिखाऊंगी। तो अभी तो हम रास्ते में, हमने हर चीज ले ली है। अभी हम रास्ते में हैं तो अभी हम बस जा रहे हैं अपने घर। तो अभी आपको सारा मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगी। तो हम अपने घर पहुँच गए। सो गाइस, यहाँ पर अब व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। तो जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम उनके जो स्पेशल बनाएंगे वो है माइक्रोनी। वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि माइक्रोनी हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है एक कैरेट ऑरेंज कलर की, उसके साथ हमने लहसुन लिया है। अदरक आप यूज़ कर सकते हैं बट हम नहीं करते। इसके बाद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है ग्रीन कलर की, बहुत बड़े साइज़ में। तो जी, सबसे पहले कैरेट को साफ़ करेंगे, उसका छिलके उतारेंगे, उसके बाद उसे क्रश करेंगे। शिमला मिर्च जो थी एक पूरी एक अदद, वो हमने यहाँ पे काट ली है, चॉप कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे ये जो हमारे पास कैरेट था इसको हम चॉप करेंगे इसी साइज़ में। अगर आपने चीज़ें डालनी हो वेजिटेबल्स तो आपने काटने होते हैं एक ही साइज़ में। तो जी हम काटेंगे इसी के साइज़ में चॉप करके बॉक्स के शेप में। तो जी इसे भी काटेंगे। तो जी यहाँ पर हम सबसे पहले इसे इस शेप में काटेंगे। यहाँ पर अब हमने कैरेट एंड शिमला मिर्च काट ली है, इनको चॉप करके यहाँ पर रख लिया है। और इसके बाद हम अब काटेंगे अनियंस। यहाँ पे हमने अनियंस भी काट लिए हैं और यहाँ पे ये है हमारी शिमला मिर्च और कैरेट। सो गाइस, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर हमने लिया है
फ्राई हुआ हुआ मीट बोनलेस, और यहाँ पे हमने माइक्रोनी बॉइल किया है, यहाँ पे वो एक कैरेट एंड शिमला मिर्च और यहाँ पे अनियंस। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी जो हम माइक्रोनी में बनाते हुए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अनियंस डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने चॉप किए थे वो कैरेट एंड शिमला मिर्च। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम मीट डालेंगे फ्राई हुए। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो माइक्रोनी का होता है। तो जी इसमें हम डालेंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे विनेगर सॉस। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस। हम डालेंगे माइक्रोनीस। इसके बाद हम यहाँ पे केचप ऐड करेंगे। माइक्रोनी रेडी हो चुकी है, इसके बाद हम इसे करेंगे प्लेट में ट्रांसफ़र। तो जी यहाँ पर हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अब ऐड करेंगे केचप ऊपर टेस्ट के लिए। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा टेस्ट है इस माइक्रोनी का। आप भी बनाएं, घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं और इस तरह से हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।